सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर श्रद्धा सत्कार प्यार सभी साध संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े प्यार नाल धन गुरु रामदास महाराज के दर से कीर्तनिया पासों शब्द सरवण कर रहे सी। मैं अजान जान तर बो न जानो बाप बीठला बहन दे। हे बादशाह असी समर्थ नहीं, तू मेहरबान है, तू दयालु है। पशु प्रेत मुगध पुतारे पाहन पार उतारे, ये तेरी मेहरामत है। जो तू बुरियाइयां वेख के नज़र अंदाज कर दिंदा है, तो जिहड़ा तेरा पल्ला फड़दा है, जिहड़ा तेरी पुकार करदा है, तू डुबदियां नूं भी तारदा है। महाराज अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। ये बड़ी निम्रता दे बचन ने साध संगत भगत साहबान वाहिगुरू च अभेद होने। पर कहते ने हे मालिका मैं तरना नहीं आता, तुम मैनू अपनी बाह फड़ाओ तो मैं तर सका। मैं अजान जान तरबो न जान तार ले रामा हो तार ले तुसी तार लो पातशाह। हुण ये बड़ी प्यारी जी निम्रता की दवाई है, हौमे तो बचाउण वाली अशौती ता कि कर्म करदे आ साडे नेड़े हंकार ना आवे। सतसंगत मैं कई बार सोचदा भी भाई साहब भाई गुरदास जी कोई गुनाहगार नहीं हैं, पर रोग दे लगन तो पहला दवाई वरत रहे। जो कहते हौ अपराधी गुनाहगार हौ बेमुख मंदा चोर यार जवार हम पर घर जो हुंदा निंदक दुष्ट हराम खो सारिया बुरियाइया मेरे च ने पातशाह। जो असी बाणी पढ़ते हैं तो अपना निज प्रचोलन की गल निम्रता दे नाल अपने आप में वाहिगुरू जी अगे समर्पित करन की गल। माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर तेसा। असी गुनाहगार हाँ तो तू गुनाह बख्शन वाला है पातशाह। मेरे च बेअंत अवगुण हैं, सब अवगुण मैं गुण नहीं हुए। मेरे च बहुत बुरियाइया ने भट्ट साहबान वाहिगुरू में लीन हुए अर्ज करते हैं हम अवगुण भरे एक गुण ना ते अवगुण इन्ने के चेता सुमंद सागर नीर भरिया देते अवगुण हमारे। सात संगत इतने मन की दशा यह है कि यदा जोर लग जाता है साबित करने कि मेरे वर्गा कोई नहीं, मैं बड़ा नेक हाँ, मैं बड़ा सच्चा सच्चा हाँ, मैं बड़ा दयालु हाँ, मैं बड़ा परोपकारी हाँ। जो भी ये अवगुणा की गल करता है तो फिर वेखो ये साडा सुभाव बन चुके की हो गया जमाने जमाने में ना वेख अपने आप में वेख बंदे खोज दिल हर खोज। जिन्होंने बाबा फरीद कहते ने अपने डे गिरेबान में हूँ गिरेबान का यह बड़ा प्यारा जहा शब्द है। लोग भेस में वेखते हैं पर भेस के अंदर की है, लोग बाहर बनावट में वेखते हैं। तो तू भी ये वेख के संतुष्ट ना हो जी जो लोग वेख रहे हैं, तू तो अपनी हकीकत तो जान हो। वह नम्रता के वचन सतगुरु जी ने सानू सिखाए। सात संगत एक वचन सच्चे पातशाह जी का मैं बड़ा प्यारा लगता है। महाराज कहते कई बार बंदे च गुण कोई भी नहीं हुंदा और दुनिया के सामने अपने आप में पेश करता है कि मैं बड़ा गुणवान हाँ। तो सतगुरु जी ने उन्हां लोकां दी तुलना गधे नाल कीती जड़ा अकारण ही छट चुकी फिर रहा भार चुकी फिर रहा। अकारण ही नानक ते नर असल खर
खर का मतलब है खोते, जे बिण गुण गर्भ ग्रंथ पल्ले कुछ भी नहीं है, कमाल हो गई। और रब होके कहते ने मालिका कबीर गर्भ ना कीते रंक ना सिया कोई, अजो सनाब समुद्र में क्या जाना क्या हो, किते बांह खड़ी करके दावा नहीं किया भी गई लोगो मैं हूं परमात्मा बन गया, मैं हूं ज्ञानी बन गया, हूँ मैं महाज्ञानी पूर्ण ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बन गया, कितने नहीं क्या कहीं बेड़ा समुद्र के जो सिरे लगेगा फिर वेखा। अजे तो मैं सिर्फ अपने औकड़ वेखन का यत्न कर रहा, बिना गुणा तो गर्भ नाल बंदा भरिया होया है तो कदे वांगू छक चुकी कर रहा, पल्ले कुछ भी नजर नहीं आ रहा साध संगत। तो उन्होंने गुरमुख रूहां वेखते हैं भी जुड़े हुए लीन हुए मान के पात्र बने, कहते हम अवगुण भरे एक गुण ना है अमृत शाह भिखा भुखा है सारे औकण मेरे च निमाना। भाई साहब भाई नंद लाल जी बड़े आलम फाजल ने, बड़े विद्वान ने, उन्हां वर्गा सल्तनत दे विच औरंगजेब की सल्तनत दे विच उन्हां वर्गा विद्वान कोई नहीं सी। औरंगजेब की पूरी बादशाहत दे अंदर औरंगजेब कोल जिहड़ी क्रीम सी फारसी दे विद्वानां दी अरबी दे विद्वानां दी, भाई साहब जी दे तुल कोई विद्वान नहीं, एक हफ्ते मनते सी लोहा मन वो उन्होंने विद्वता उन्होंने गुण करके ईरखा करता औरंगजेब, उन्होंने गुण करके विद्वता करके उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन वास्ते अध्यापक नियत किया हुआ। भाई साहब भाई नंद लाल जी आपकी विद्या तो जानू, मैं संखेप की गल करा, श्री आनंदपुर साहब आ गए जो औरंगजेब ने शर्त रखी जां धर्म तब्दील करो जां जिंदगी त्यागो, गुरु का सिख प्यार वाला श्री आनंदपुर साहब आ गया, सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में रह के सिखा की जूठ मांजता भांडे मांजता, दुनिया का आलम फाजल जिदे तुल होर कोई विद्वान नहीं, जिदा लोहा वकत का शहनशाह मनता है। तो किसी ने उन्होंने पूछा कि भाई नंद लाल जी तुम उही नहीं जिहड़े औरंगजेब के महलों में शाही सुख भोगते जूठे भांडे मांजते हैं कपड़े ते हाथ सुआह ना लिबड़े हुए वस्त्र लथ पथ हो सेवा करते हैं पानी के नाल सुआह नाल मिट्टी नाल, ते वेखन वाले ने कहा तुसीं उही नहीं जिहड़े महान विद्वान जिन्हों के बराबर औरंगजेब की सल्तनत में कोई विद्वान नहीं, तुसीं सिखां दी जूठ मांज रहे, एक पासे सिखर की विद्वता एक पासे मन इन्ना नीवा कि जूठे भांडे चुकते हैं तो भांडे मांजते ने। भाई साहब जी ने देखो किड्डे कमाल का जवाब दिता, सी कहन लगे भलिया जितों शाही सुख मिले सी शाही पोशाके शाही सवारियां नौकर चाकर शाही रिहायशां महलां च रहना पातशाह दे बच्चों पढ़ाउणा, कहिंदे कित्थे ओह शाही पुरस्कार शाही इनाम कनाम कित्थे झूठ मांजदे तुहाडे बर्तन लोक चुकदे सन। उस प्यार वाली गुरु ने कहा कि वेख निम्रता में सेवा कीते हैं की मिलता है, जितों शाही सुख के मरतबे मिले सी उतों मौत का फतवा भी मिलिया, सिखां दी जूठ मांजदे जिंदगी मिली है। जो सिख मन नीवा करके तुरदा ना तो आत्मक जिंदगी मिलती सा संगत, मैनू कुछ नहीं आता मालक जी तुसीं मैनू तार लो, बड़े प्यार में भिजे हुए बचन बाबा नानदेव जी। और बाबा नामदेव जी वो पवित्र रूह ने जिहड़ी रब रब जपदे रब हो गए है। भाई साहब भाई नंद लाल जी एक दिन उदाहरण वेखो सिखी के अंदर निम्रता का की थान है, सानू गुरु साहब जी ने मत दिती सी कहिंदे वेखो दुनिया के उत्ते निमण वाली चीज ही असल च वड्डी हुंदी है, उन्होंने उदाहरण दिती भी धरत राजू तोली है तकड़ी नूं फड़ के तोलना शुरू करिए तो जड़ा शाबा नीवा हुंदा समझ लो वजनदार हुंदा है, निवै सो गौरा होए, ये बचन सिखी दे अंदर निम्रता दे सिखर दे बचन ने जी, ते सिख ने इस अवस्था धारण करना।
सिख गुरु की संगत में यह सीखने वास्ते आया कि सेवक किवें बनेगा। जड़ा कुछ होने का दावा करके आया ना, वो असल च गुरु की सिखी नहीं लै सकता। जो पहले भरिया पिया भाई नंद लाल जी के जीवन की बड़ी प्यारी की घटना है। कहिंदे कलगीधर पिता जी इतने विराजमान सी अजवान, सतगुरु जी प्रशादा छक रहे से। कुत्ते का सुभाव होंदा है कि एक एक ग्राही वाली ललचाइया अखां नाल तकदा। एक कुत्ता आया सामने बैठ गया, एक एक ग्राही वाल पता नहीं किस शिद्दत नाल किस आस नाल तक रहा सी। ते मेरे दयालु मेहरबान करुणा निधान सतगुरु जी ने अपने घर कमलों की सीत प्रशाद की एक ग्राही तोड़ी, उस कुत्ते दे के सुती तृप्ति हुई। गुरु के हथां तो गुरु की नजरे इनायत पा के वह ग्राही छक के कूकर तुर पिया। भाई साहब भाई नंद लाल जी, वेखो गुरु तेग बहादुर महाराज कहें जे तू सीख वाला हो तो घर के बैठे कुत्ते तो भी सीख सकता। स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नेत्र, सिख वो वागू जूना सिख नानक यह बेद शब्द वरत्या। कहते ये को सिख जरा कुत्ता अपने खसम का दर नहीं छड़ता, झिड़का भी पैदन डंडे भी पैदन, स्वान तजत नहीं दर दर ते भटकन वाले तेरे नाल ते वफादार वो कुत्ता चंगा है जरा अपने खसम का दर नहीं छड़ता। भाई साहब भाई नंद लाल जी वेखते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज के बचन की सुरत में होंगे, नानक यह विदहार भजो एक मन होए एक चित। बाबा बुल्ले ने कुत्तियां की गल करते एक गल कही बड़ी प्यारी थी, कहिंदे उठ बुल्ले आ उठ गुरु मना लै नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते। कहिंदे तेरे नाल प्यो भले तू गफलत की नींद च सुत्ता और रात जाग के अपने खसम की पहरेदारी कर दे। जिथे कल कुत्ता बैठा सी ना जी, जो अगले दिन खजूर प्रशादा छकन लगे तो दुनिया का महान विद्वान भाई नंद लाल उस जगह पर आके बैठ गया, जिदे वर्गा संसार से कोई ज्ञानी कोई विद्वान नहीं। गुरमुखो मैं बेनती करा, क्योंकि सब तो खतरनाक होंगे किसी विद्वान का हंकार किसी ज्ञानी का हंकार, क्योंकि बीमारी लगी हो दवाई खानी पैंदी है, जे दवाई रोग बन जाए रिएक्शन कर दे। बेसमझी दे विच ज्ञान दवाई है, तो जे ज्ञान का ही हंकार हो जाए बहुत खतरनाक हो जाता। साधारण बंदा इस रोग तो बच सकता है, ज्ञानी नूं ये रोग हो जाए विद्वान नूं ये रोग हो जाए तो बचना बड़ा औखा होता है। दुनिया का महान विद्वान उत्थे बैठा जिथे कल कुत्ता बैठा सी, ते अंदर जामी सतगुरु जी हस के कहन लगे लाल जी महाराज कलगीधर पातशाह इन्ना प्यार करते सी ना भाई साहब, जिवें एक माँ बच्चे नूं बुलाउंदी है ना छोटा नाम लैके। भाई नंद लाल जी नूं कलगियां वाले पातशाह लाल जी कह के बुलाउंदे सन। महाराज कहन लगे लाल जी तुसीं उत्थे क्यों बैठे हो? कहिंदे सतगुरु जी मैं कल वेख्या सी तुसीं कुत्ते ते टुट पए, मेहरबान हो गए उहदे ते तरस कीता अपने कर कमलों की बख्शिश दे के तृप्त करके तोर दिता, तो मेरे मन में फुरना आया जे तुसीं इक कुत्ते ते टुट सकदे हो तो यह नंद लाल भी ते तेरे दर दा कुत्ता है ना। पर उहनूं कहा नहीं नंद लाल जी तुसीं विद्वान हो तुहाडी जगह उत्थे नहीं तुसीं इत्थे आओ। भाई साहब जी ने पुस्तक लिखी सी नाम रखिया सी बंदगी नामा, ते सतगुरु जी ने माण दिंदिआं कहा जिंदगी नामा, बहुत माण दिंदे सी। गुरु साहब जी कहिंदे उत्थे नहीं इत्थे आवो, तुसीं विद्वान हो गुणी हो। ते भाई साहब जी ने अपनी गजल दे अंदर लिखिया शब्द, कहिंदे नहीं महाराज ये नंद लाल दुनिया वास्ते विद्वान हो सकता पर कलगीधर पातशाह तेरे दर का कुकर है। दाग तारे नाम गुरु गोबिंद सिंह लाल सागे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, फारसी च साग कुत्ते नूं कहिंदे आ,
ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਸਾਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੋਧਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਣਾਇਆ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਮ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਾਦਵਰ ਹਰਦੂ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬਸਤ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬਸਤ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਯਾ ਫਤਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖ ਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਜਨ ਤਰਬੁਲ ਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਮਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਸ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸੁਣ ਹੋ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਿਰਦੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਬੱਜਰ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਤਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਤ ਉਧਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿ ਤਿਸਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੁਣ ਆਸਾ ਉਰਤਾ,
मैं सुनिया भी तू पता तो फिर मेरे अंदर आस लग पी एदा मैं निराश हो गया। अंतर जामी सुन मैं सुनिया तेरा गुण भी तू दिलानियां बुझ लेंदे आप खड़े हो अरदास कर अगो बचन आ जाए भी अंतर जामी पुरख बिता दे असं तो खुश हो जाएंगे भी मेरी तो बुझ ली होगी। पर निम्रता की हद वेखो भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्हां दे पवित्र कर कमलां नाल दुनिया उत्ते सब तो पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखे गए जिन्हां नूं मान मिलिया अकाल तख्त साहब जी की सेवा संभाल मिली सिख पंथ के निर्णय करन दा अधिकार मिलिया इन्ना आदर जिन्हां दा ते उह कहिंदे जदों मैं सुनिया भी तूं अंतर जानी आ ते मैं अंदरों कंब गया मेरी रूह कंब गई कि तू तो अंदर दिया जानन वाला है कि मालका मेरे अंदर से बहुत बुराइया ने मेरे अंदर से बहुत औकड़ ने। बड़ी बारी उन्होंने कहा मेरे है औगण तू गुण सागर मैं तू गुणा का समुद्र है मैं औगणा का भरिया हुआ अंतर जामी सुन कंपक अंतर गत भगत वशल सुन होत निराश हृदय पतत पावन सुन भै गुण टार हूं मेरा डर मुक गया आसा उतार हूं। तो इत्थे कहिंदे अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत दीन को दयाल सुन भै गुण टार फिर मैं सुनिया नहीं तू दीना ते दया कर दिंदा तू निमाणिया नूं मान बख्शदा तू निथाविया दा थां है तू अगुण आ रहा भी बख्शन वाला अगुण को ना चितार गल छेती लायक ते मेरे अंदरों डर खत्म हो गया। हे मालिक जी मेरी जिंदगी सिंबल वर्गी मतलब मैं नीवे तो नीवा तू रहमता का सागर हूँ सिंबल की बदकिस्मती यह है कि दुनिया के फल ने आप छोटे होंद सुनते होंगे कहते बरसात हो गई हूँ जामन मिठे हो जाने अंबा च रास पै बरसात होगी हे सच्चे पातशाह मेरी जिंदगी सिंबल वर्गी तेरी रहमत की बरसात हो रही है पर मेरी जिंदगी च मिठास फिर नहीं भरी सिंबल के रुख फल फिके पुल बक बके काम ना आवै पत सिंबल द्रम अफल कदी इनू फल के फल च मिठास ही नहीं आई रस ही नहीं पिया जलधार संगम कै पानी का बदलों का मिलाप होया तो भी ये मिठास नहीं आई पर कमाल होगी जे सिंबल नगूना सी ना तो मेरे मालिक जी एक चंदन ऐसा जड़ा नगूने भी गुणवान बना दिता चंदन सुगंध संबंध मलकार तू इन्ना दयालु कि मैंने पता लग्या कि तू सिम जिमें सिंबल का बूटा किसी काम का नहीं पत्ते काम के नहीं फुल काम के नहीं लकड़ काम की नहीं पर चंदन ने उन्नू निगूणे भी अपने वर्गी महक न भर दिता तुम चंदन हम रिंड बापरे संघ तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊच पए है गंध सुगंध निवासा जिमें रुख नीवा सी निखिध सी किसी कार आमद नहीं सी पर चंदन की संगत ने गुणवान बना दिता इस तरह मेरे च बुरियाइया सी पर तेरी संगत तेरी नज़र ने रुड़दिया पातशाह बना तो चौथा बचन बड़ा सोहना है तीन उदाहरण दे के हे मालिक जी जे मैं अपनी करतूत वेखदा तो शायद कोई ब्रह्मांड के अंदर ऐसा नरक भी ना हो जिथे मैं ढोई मिलते अपनी करनी कर नरक हो ना पाव ठौर जे मैं दावा करा अपने कर्मों के उत्ते अपनी भगती के उत्ते भी मैं बड़े चंगे कर्म करके आया जी मेरी सुन लो नहीं सच्चे पातशाह मेरे पल्ले कुछ भी नहीं मैं तेरी दयालता करके आया कि तू रुलद्या भी छाती ना ला लेना महाराज तू चोर भी बख्श दिंदा तू धार्मिक धार्मियों भी नफरत तो है ही नहीं ना मेरे गुरु के घर ये तो साड़ी वृत्ति है कि सानू किसी का एक औकड़ पता लग जाए तो जिनी देर जमाने नशर नहीं कर लेंगे सानू सुकून ही नहीं मिलता धन मेरा गुरु जिहड़ा साडी जिंदगी दे हर औकड़ नू वेखदा पर सतगुर ढाक लिया मोहे पापी परदा अपनी करनी कर नरक हो ना पावो ठौर तुमरो बिरत कर हुण तेरा सुभा है पतत उधारण सतगुर मेरा
इस वास्ते हिरदे दे विच आस लैके तेरे दर ते टुकिया महाराज। ये बचन साढ़े अंदर निम्रता पैदा करते सास जी, जो जो बाणी पढ़ांगे ना समझांगे सुणांगे ते जिहड़ा कुछ होण दा भरम है ना वह टुटना जाएगा साडा। वाहिगुरु दयालू है, उहदी मेहरामत सारिआं ते निरंतर बरस रही है। जे असीं सखणे आ ते सिर्फ इस करके आ कि असीं अपने मन सवेरे ही मैं बेनती कीती सी बर्तन नहीं तैयार होया बरसात पे हो रही है। उदाहरण बड़ी खूबसूरत दिती सच्चे पातशाह जी ने, गर्भ जिन्ना वड्याइयां, गर्भ कहिंदे हंकार, कदा हंकार है कि मैं कुछ हाँ, मन तू मत माण करे जे हों किश जान, गुरमुख निमाणा होए निमाणा। इत्थे हस्तियां नहीं काम आउंदियां, साडा जिहड़ा गुरुद्वारे च भी VIP कल्चर शुरू होया ना, ठीक है अपनी होमे नूं पट्ठे पै जाणगे ते जे कहीए गुरु कोलों कुछ खट के जाइए खाली चले जाणगे। इह गल सतगुरु जी कहिंदे, कहिंदे बरसात हो रही है पर पानी कित्थे टिकदा है, बरसात तों बाद पानी कित्थे टिकदा जिथे थां नीवा होवे। बरसात ते सारी धरती ते होई है पर टिब्बे सुके ने, नीवें थां ते पानी खड़ा है। बस इन बिन यही दशा साडी है, गर्भ जिन्ना वड्याइयां, धन जोबने आगाह, किसी ने धन का माण, किसी ने जोबन, मैं जो जानना मैं जोबनवंत सो होवे विस्ता कर जन। बड़ा कुछ बंदा अपने आप में समझता है, गर्भ जिन्ना वड्याइयां, धन जोबने आगाह, खाली चले धनी स्यों, शाह दे हुंदिया भी धनी, मतलब जिहड़ा दे रहा वंड रहा उहदे हुंदिया भी सखणे चले गए जी। क्यों सखणे चले गए? टिब्बे ज्यों मीह आ, जिवें मीह विच टिब्बे सुके रह जांदे आ ना जी, इवें उह सुके दे सुके रह रहे। गुरमुखो मन नीवा होएगा ते अर्थ यह नहीं है कि असीं किसे नूं कुछ दे देना है, अर्थ यह है कि असीं कुछ खट के जावांगे। सारा पानी निवान नूं वहिंदा है, जिहड़ी बूंद बरसदी है निवान नूं वहिंदी है, वड्डी हुंदी कि छोटी हुंदी, एक बूंद तो सागर बन जाती है। जो नीवी होकर चलती है समुद्र में जाके वह वड्डी हो जाती है, छोटी नहीं होंगी। साडा भरम यह है कि जिन्हां लोगों ने मैं रोह जमा के सारी जिंदगी रखिया, तो जो मैं नीवा हो गया, जो मैं हस बंदा इन्ना अंदरों कंजूस हो गया, पैसे की तो दूर की गल है, एक मुस्कुराहट नहीं वंडनी चाहता जी, तकड़ी च एक मुस्कुराहट नहीं देनी चाहता कि ये मेरे नौकर ने, मेरे थले ने, इन्हों से मेरा रोब है, तो मैं इन्हों का मुस्कुरा के बोल पाया, मेरा तो रोब खत्म हो जाए। हर खेत्र के अंदर सानू चिंता पई हुई है कि असं अपने आप को कितना स्टैबलिश करके रखना है। गुरु साहब जी सानू बार बार कह रहे हैं, निम्रता बहुत वड्डा गुण है, बहुत वड्डा गुण है। बाबा श्री चंद जी ने एक गल कही सी गुरु रामदास महाराज जी नूं कि तुसीं इस दरदे तों, इस घर तों सब कुछ निम्रता नाल लुट गया। सेवक बन के जदों असीं आउंदे आ ना जी, उदों मेरा साहिब खसम सिर ते रहमतां दा हथ रखदा, ते जदों आए सब गुरु घर आए जी, कोई हमलावर बन के भी आए, गुरु योगी सी, ते असीं बचन भी पढ़दे हाँ, जिस डिठा सब दुख जाए। हुण देखण वाले तो वह भी सी जिहड़े जुल्म करवा रहे कोल खड़ के, क्योंकि वह प्रिपेयर होके नहीं आए, कुछ खट्टण वास्ते नहीं आए, वह हाकम बन के आए। तो यह बहुत वड्डा भरम, जिस भरम चो सानू महाराज कढ़दे आ। सतगुरु जी कहिंदे हस्ती की है साडी, कितें अपने आप नूं पुछिए, जिहड़ी निज दे अंदरों मैं दी आवाज़ आउंदी है, जाबे जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं पटक रहा बेचारा। महाराज कहते कभी अपने आप को वेखन का यतन करके की है, आ चमड़ी वेखदा इन्हें की होना, कल मिट्टी की ढेर, रात की ढेर, सुआह की ढेर,
जे सिर रच रच बंद पाग ते सिर चुंच सवारे का इस तन तन का क्या कर भैया काहे दे नाल गर्भ करत है। हुण इह गर्भ जिहड़ा ना हंकार है बहुत खतरनाक है। यही भी एक वित है। वैसे तो रब कितने भी दूर नहीं है। जिन्हों बाबा बुल्ला कहिंदा ना मेरी मैं ने मैनू जुदा रखिया मैनू बंदा ते तैनू खुदा रखिया नहीं तो बंदे ते खुदा च फर्क कित्थे सी। कंध ते विच की है विच होमै भीत करारी धन पिरका एक ही संघ वासा विच होमै भीत करारी काहेरे नाल गर्भ करत है बिन सजाए झूठी देही तेरे तो पहला भी बड़े आए सी जरूर च मत्ते मेरी मेरी कैरो करते दरजोधन से भाई बारह जोधन। तू तो चार बंदे नाल लैके तुरता होएगा। मनौत है कि उन्होंने पिछले 48 को तक फौजा चल रही सी बड़े लाम लश्कर सी शतल धुलते सी देही गिरजन खाए कोई सामभण वाला नहीं सी। तू किस प्रॉपर्टी से माण करता है इतने सारे सारे शहर सोने के वसाने वाले सर्ब सोइन की लंका थी रावण के अधिकारी कहाँ पे कितने नहीं आते थे। सानू उदाहरण दे दे के समझाउण दा यतन किया भी साडा पारा जिहड़ा ना टिकाणे आ जाए असीं आसमानी उड़दे फिरदे हाँ साडे पैर धरती ना लग जाण। कादा माण कर रहे हैं काहिरे नाल गर्भ करता है बिन सजाए ने मिट्टी हो जाना। कबीर धूल सकेल कै पुरिया बांधी दे दिवस चार को वेखना मिट्टी की ढेरी इकट्ठी की हुई है पंज तत् ने पंजा च मिल जाने कितने गए फिर वह हुक्मरान अंत खे की खे। सानू बाबा फरीद साहब कहते अपने गिरबान च कभी कभी अपने निज नाल गल्लां करिए सत्संग साड़ी अकल साड़ी चतराई साड़ी सियाणप सिर्फ दूजिया नाल गल्लां वास्ते है कि वह गल्लां कहदे लिए कि चंगा प्रभाव पै रहा मेरा नॉलेज मेरी पकड़ मेरा विशा मेरा सवाल। तो कई बार इसे गल फुले नहीं समाते असं ज्ञान लैन वास्ते सवाल नहीं करते जी असं आप दसन वास्ते सवाल करते हैं। साडा जिहड़ा संवाद है ना वह गुरु नानक साहब वाला संवाद नहीं है। टेबल पर भी बैठ जाइए भावें गुरु नानक साहब जी जे तरस करके संवाद करते हैं तो किसी को हराने वास्ते नहीं करते नीवा दिखाने लिए नहीं उन्होंने भला करने वास्ते करते। साडा गुरमत का संवाद भी जिहड़ा वह दूजे को नीवा दिखाने वास्ते है मैं जेतू है तू छोटा है। तो यही कारण है कि इनफॉर्मेशन बहुत है पर रूहानी तौर पर सखन है। माफ करो इतने बैठ के कीतियां गल्लां भी कई बार सिर्फ इनफॉर्मेशन बन के रह जाती है बुद्धि ठोक ठोक के भरी हुई। छोटे होंदे एक कविता पढ़ी सी मैं सिर कच कौल बना हाथ लीता पढ़िया द्वारे फिरिया ठूठा बना के ना कच कौल जिवें मंगते ने हाथ च कौला फड़िया हुंदा ठूठा फड़िया हुंदा ते उह रिजक वालिया के दरवाजिया ते जाके मंगदा भी मैनू मुठ मुठ खैर पा दो ते मुठ मुठ मंग के चार रोटियां मंग के दाल मंग के ते आखरिया फिरदा बल्ले बल्ले मेरे कोल किन्ना कुछ है। हंकार नाल भरे हुए बंदिया तेरे कोल कख नहीं वह मंगते वागू चार गल्लां मंग मंग के इकट्ठियां कीतियां ते तुन तुन के दिमाग में पा लिया सिर कच कौल बना हथ लीता पढ़िया द्वारे फिरिया दर 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 टुक मंग मंग के तुन तुन उसनू भरिया ते भरिया देख अफरिया सामे अफरिया करदा की समझिया हुण मैं ज्ञानी बन गया भरिया देख अफरिया सामे जाना पंडित हुआ समझा मैं हुण पंडित बन गया विद्वान बन गया गुणी बन गया। गुरमुख प्यारिओ जिदन ज्ञानी दे अर्थ समझण दा यतन कीता ना ते इत्थों आवाज आई धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा। असीं ते छाला मार के ज्ञानी तो भी ब्रह्म ज्ञानी बन गए गुरु भी थले छड़ दिता। धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा जित मिले हैं वैरी मित्र सब सम दृष्ट दिखाई। ज्ञानी ते मेरा सतगुरु सी जिहदे कोल बैठे हाँ सानू ज्ञान रोशन होना सी जीवन ज्ञानी होए सो चेतन होए अज्ञानी अंत कमाए। हुण वो कमाउण वाला कर्म नहीं बदल रहा इनफॉर्मेशन बहुत है पर रूहानी तौर पर सखन है। तो दर 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 टुक मंग मंग के तुन तुन उसनू भरिया सिर कच कौल बना हथ लीता पढ़िया द्वारे फिरिया
दर 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 टुक मंग मंग के तुन तुन उसनू भरिया भरिया देख अफरिया सामे जाना पंडित होआ। एक दिन वो कच कौल लै गया मुरशद मोहरे धरिया। दस्या भी वेखो जी मैं इतने आके भी कहा वेखो जी मैं इतने आके दसा हूं मैं ज्ञानी बन के आ गया। एक दिन वह ठूठा भरिया होया जिन्हों तुन तुन के भरिया अफरिया फिरता सी ते अपने जो गुरु अगे रखिया तो उन्हें कहा चुक के परे पलटा के सुट के जूठ कट्ठी करी फिरना। एक दिन वह कच कौल लै गया मुरशद मोहरे धरिया भरिया जूठ जूठ कर उस पलटाया खाली सारा करिया। हुण दौड़ सी खाली होके आउण दी असी ते भरे होए आ रहे। खाली होके कहा मैं अजान जन तरबो न जान मैनू कख नहीं आता महाराज तुसी सिखाओ। भरिया होया किवें भरेगा खाली करके अपने आप में बहुत कुछ लद्दी फिरदा बहुत कुछ तुन तुन के भरी फिरदा। सिखा दा की मंगदे हैं जी रोज सिखा दा मन नीवा। किन्ने प्यारे शब्द ने साडी अरदास ते साध संगत जी। ते जे असी सारे सिख कोई गिणती है भी असी जिंदगी च किन्नी वारी अज तक क्या होएगा जां साडी अगवाई करदे जदों भाई साहिब जी ते असी सहमति प्रगटा के नाल खड़े हुंदे आ उह भी साडे वल्लों ही कह रहे हुंदे आ। कोई गिणती है भी जिंदगी च किन्नी वारी क्या होएगा हे सच्चे पातशाह जी की मंगदे आ सिखां दा बोलो सारे सिखां दा की असी घर नूं दात लैके चले गए जदों असी घर गए ते साडी बोली बाणी च फर्क हैगा। पत्नी नाल गल करदे आ बच्चियां नाल गल करदे आ दोस्तां नाल गल करदे आ साडे व्यवहारक जीवन च कोई फर्क आया? सिर्फ शब्द ही रिपीट कर रहे हैं ते जे असी वो चीज के गाहक ही नहीं जो साडे लई मंगी जा रही है ते फिर ते एक रवायत बन के रह गई ना रवायत। जिवें बाकी धर्मां ने रीतां बना लईआं सी उदां दी असी रीत बना ली रीत ने भी असी मत्था टेकिया नानक नाम चढ़दी कला ते चलो प्रसाद मिलिया प्रसादा छकिया घर नूं चले गए। जिदा भरे हुए आए से उदा ही भरे सकन उदा ही चले गए लैके कुछ भी नहीं। गुरु साहिब जी के प्यारे सिख आउंदे सी ना जी ते सच्चे पातशाह हजूर एडी रहमत करदे सी खाली भांडे आए ते साहिब ने रहमतां दा मीह वरसा के लबा लब भर दित्ते। इस शब्द की कला ने खालियां च की वरता दिता जड़ा संसार दे विचो ज्ञान लभदा नहीं सी ना शब्द की कला ने। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध। यह कितों आए कि ज्ञान कितों आया पर सिर्फ बोल रहे हाँ सुना रहे हाँ मनन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो यह पहला स्टैप है साडा तां ते सानू सेवा मिली सानू एक बराबरी मिली इत्थे बहना सी बराबर सारिया कोई विचार नहीं कोई नियमां नहीं बराबर बह के यह भी साड़ी भगती का एक राह है संगत पंगत सेवा सिमरन। दौड़ दौड़ के सिख जूठे भांडे चुकते सी एक दूजे ये ट्रेनिंग है साड़ी साध संगत इंस्टीट्यूशन है साडा गुरद्वारा। इतों सीख के असी प्रैक्टिकल जिंदगी दे विच एक एक लफज साडा दस रहा होए कि सिख का मन नीवा है पर असी जो वो शब्द बोलते हैं जिहड़ा सीने नूं चीर के रख रहा मन नीवे की जी अंदरों गंध ही नहीं आ रही झलकी नहीं पै रही। ये किसी का कुछ नहीं बिगड़ना साध संगत जी अपना नुकसान होना है। गुरु को आए प्यार वाले एक बेनती करके मैं समाप्ति करता जो गुरु नानक साहब जी गए ना लंबी गाथा है मैं छोटी जी गल सिर्फ इशारे मात्र अपने विषय न संबंधित कर महाराज गए जो संगला दीप तो लंबी कहानी जी उड़ीकदा सी शिवला मानसुख मिलिया किदा दी प्रीत सी तो जो सारी प्रीत नूं फल लग्या गुरु साहिब जी चले गए राजा शिवनाभ को। राजा शिवनाभ ने कोलों उन्हें बड़ा पहला हाथ वेख ले सी कई पखंडी भी आके कहिंदे सी कि सानू गुरु बना लिया असी नानकी हाँ। जदों उहदी तसल्ली हो गई ना तो फिर राजा शिवनाभ गुरु नानक साहिब कोल गया। राजा सी इन्हें कई दर्जना थाल सोहने दुशालिया नाल ढके हुए महाराज नूं अर्पण करन वास्ते राजिया वाला एक ढंग सी कीमती मेरे ने मोती जवाहरात ने
रेशम पश्मीने के वस्त्र ने तीन तरह दियां पिटावां सी। एक ते खाण वाले व्यंजन वाह कमाल, पहनण वास्ते कपड़े कमाल दे, धन अशरफियां बेअंत। गुरु साहब अगे अर्पण किए पैसे, धन अर्पण किया, आपां भी सारे अर्पण करते हैं। तुहाडी किरत दे नाल ही ते सारी सेवावां लंगर चलते, जरूर अर्पण करिया करो। पर गुरु की खुशी सिर्फ पैसे अर्पण करके नहीं मिलती। इन्हें धन अर्पण किया तो महाराज कहते निरतना में वंड दिओ। इन्हें कई पदार्थ अर्पण किए, महाराज कहते कई भुखे ने उन्हें च वंड दिओ। रेशम पश्मीना दिता सतगुरु जी, कहते साढ़े कि काम पे, जेडे नंगे ने उन्हें वंड दिओ। तो कुदरती है जो भेटा अपने एक तरह के वापस कर दी जाओ, लै लो प्रमाण ना हो। राजा शेवनाथ कड़क उठा अंदरों, कहना महाराज जी मेरी एक भी भेटा तुसी प्रवान नहीं की, मैं दसो मैं की अर्पण करा जो प्रवान हो जाए। तो भगवान वाले जो जवाब दिता सी ना महाराज ने, वह कला शेवनाथ भी नहीं, साढ़े सारे वास्ते। यह कहता सतगुरु जी भोजन तुम लोड़वंदा च वंडा दिता, धन तुम गरीबा च वंडा दिता, वस्त्र तुम नंगिया भुखिया च वंडा दते, मैं की अर्पण करा जो तुम प्रवान करो। तो सच्चे साहब जी ने कहा कि जी मैं ना ये अर्पण कर तू प्रवान करेगा, बस ये अर्पण करनी चाहत है, ये छुट जाए सास में, इतने सिर रखिए तो सिर के विचली मैं छुट जाए, तो फिर तू करता रब हो गया जी बंदा। कतरा समुंदर हो गया पर उन्हें मिटना पैना है, असं मिटन तो डर रहे हैं। मसा तो इस पर पोस्ट पर पहुंचे, मिट कि जावा मैं नहीं भाई, हाँ जा मैं जान कुछ भी नहीं जानता पातशाह, तू बाप बीठला बाह दे। अरदास बड़ी प्यारी है, जो मन नीवा करके अरदास करांगे तो गुरु बड़ा समर्थ है। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। सारिया के साहिब दया कर अपनी बख्शिश नाल निवाजन। गुरमुख प्यारे लग रहा सभी वीक डे है काम वाला देना, पर तुसी बहुत प्यार का सबूत दिता। गुरमुखा ने बड़े प्यार नाल आवाज मारी, तो मैं अपने धन भाग समझदा तुहाडी चरण धूर मिली। एक बेनती मेरी निजी, मेरी अपनी स्वार्थ है गुरमुख, जिहड़ी धरती तों मैं आया उहदा सुनेहा है तुहाडे वास्ते। जिन्हें तुसी दुनिया भर च सिख वास्ते हो ना, तुहाडे सिर ते करजा है फतेहगढ़ साहब की धरती का, मैं तुहानूं चेता करवाउणा चाहुंदा। जदों तुसी सोहणे सोहणे बिस्तरियां च वाहिगुरू तुहानूं होर सुख देवे, मैं अरदास करदा सौंदे हो ना, इन्हां बालां नूं गलना ला के इन्हां दे मूँह विच पदार्थ पा पा के उदों ठंडा बुरज जरूर चेते करिया करो। उत्थे तीन रातां मेरे साहिब दे लाला ने भुखियां कट्टियां सी, सीत रातां बिस्तर नहीं सी मिले, ते असी तिना दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी रोज उन्हां दी कमाई नूं जिथे बैठे हो ना दो छिन सुरत ला के अपने बच्चियां नूं घुट के गल ना लायो, ते मां गुजरी जी नूं चेते करियो किदां बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नाल रातां कट्टियां होण। उह चेता तुहाडियां जड़ां ला के रखेगा अपने घर दे नाल, यकीन करियो गुरमुख। ते जे हो सके, बड़े उद्यमी सिंह ने तुहाडे चों वो जाते हैं शहीदी दिहाड़िया के, जरूर आयो हाजरियां भरियो, साहब तुहाडे घर च बाणी बाणा बख्शन, चढ़दी कला बख्शन, असीस देनी भुल्लां बख्शनियाँ गुरु के प्रबंधक सेवादारां दा, और सत्कार जो मेरे वड्डे वीर भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी। मैं फिर बेनती करता जिन्हां को बहुत कुछ सीख रहे हैं, इन्हां सुन सुन के सीख रहे हैं असीं, तो इन्हां ने बड़ा ही माण दिता, इन्हां दी वडियाई है, निम्रता वाला गुण है इन्हां च। तो मैनू भी असीस दिओ, मेरी कथनी करनी एक हो जाए। सब का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।